हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, सर्विंग सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, आज हमारी 14th क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो प्लेन टेबल सर्वे है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिडेट इन विच वन एज इज रिवील्ड इज कॉल्ड एज। देखिए, अगर हमारा एलिडेट में वन एज रिवील्ड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका एलिडेट है और ये आपका आई वेन है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? साइटिंग कर रहे हो। और यहाँ आपके पास एक स्केल लगा होता है, ये क्या आपका स्केल। अगर इसकी एक साइड रिवील्ड होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिड्यूशियल एज कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। सेकेंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। वो क्या है, हमें कब ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? रेडिएशन में, इंटरसेक्शन में, ट्रैवर्सिंग में या रिसेक्शन मेथड में। देखिए, जब आपके पास सभी पॉइंट्स ना एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मतलब कि सभी पॉइंट विजिबल है, तो आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। इसमें हमें ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक ही जगह अपने प्लेन टेबल को फिक्स कर लेते हैं और सभी पॉइंट हमें क्या होते हैं, दिख रहे होते हैं, और उसे हम लोग अपने प्लेन टेबल के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। थर्ड है, दी एक्यूरेसी विद विच द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कैन बी एस्टेब्लिश इन ए प्लेन टेबल सर्वे इज नॉन एज। देखिए, एक्यूरेसी बतानी है हम लोगों ने, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कैन बी एस्टेब्लिश। देखिए, इसमें क्या होता है, पहले से हमारे पॉइंट क्या होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं, हमें उन्हें ढूंढना होता है, उन स्टेशन को ढूंढना होता है। फॉर एग्जांपल, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास, यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फिक्स होगा तो एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी होगी। अगर हमारे पास वीक फिक्स होता है तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है? कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। फोर्थ दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड इनएक्सेसिबल फॉर्म प्लेन टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी कोई रिवर है और आपके जो स्टेशन है वो अदर साइड लोकेटेड है, ये है, ये आपने ड्रॉ करना है। तो इन्हें आप कैसे ड्रॉ करोगे, इन्हें आप अपनी शीट के ऊपर कैसे लोकेट करोगे, प्लेन टेबल के ऊपर, मेथड ऑफ रिसेक्शन, रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग या इंटरसेक्शन। जब भी हमारे कोई पॉइंट काफ़ी दूर एस्टेब्लिश्ड होते हैं तो उसे हम लोग इंटरसेक्शन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं प्लेन टेबल के ऊपर, जिसका राइट आंसर होगा डी होगा, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। फिफ्थ है, व्हाइल सर्विंग ए प्लॉट ऑफ लैंड बाय द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग द फील्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए, जब हम लोग फील्ड के ऊपर ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और साथ साथ में हमें उसे प्लेन टेबल के ऊपर ड्रॉ भी करते हैं। प्लेन टेबल का यही तो अच्छा वर्क था कि हम साथ साथ में देखते भी और उसे साथ साथ में उसे हम ड्रॉ भी करते हैं शीट के ऊपर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, एंड प्लॉटिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली, और उसे हम ड्रॉ भी साथ साथ कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट यूज प्लेन टेबल सर्वे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इसमें से प्लेन टेबल के लिए यूज़ नहीं करते हैं? प्लम्बॉब ये यूज़ होता है, थेडोलाइट ये यूज़ नहीं होता है, स्प्रिट लेवल यूज़ होता है, एलिडेट। तो जिसका राइट आंसर होगा बी, थेडोलाइट हम लोग प्लेन टेबल सर्वे के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सेवन्थ है, दी थ्री पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबलिंग इन्वॉल्व। हम यहाँ पर हम लोगों ने थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की डेफिनेशन बतानी है। डिटरमाइनिंग दी पोजिशन ऑफ थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, नहीं, हमें थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की पोजिशन नहीं ढूंढनी होती है। लोकेटिंग द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाई दी प्लेन टेबल गिवन दी पोजिशन ऑफ थ्री पॉइंट, यस, जो हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है पहले से पॉइंट, उन स्टेशन को हमें क्या होता है, ढूंढना होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि इसका टू पॉइंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत है। सर्विंग इन दी ट्राइंगुलर एरिया, ये भी गलत है। एट्थ है, दी ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेबल सो दैट ऑल द लाइन्स ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। ओके, जब हम प्लेन टेबल के ऊपर अपनी लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी है, जब आप शिफ्ट करते हो अपने टेबल को तो आप क्या देखते हो, ओरिएंटेशन जब टेबल करते हो तो जो हमने ड्रॉ की थी ए बी लाइन वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा।
नाइन्थ है यू फॉग एंड प्लम बॉब आर रिक्वायर्ड। ओके, यू फॉग एंड प्लम बॉब का काम क्या होता है? सेंटरिंग। इसका जो आंसर होगा डी होगा। टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजली यूज मैथड फॉर ओरिएंटेशन ए प्लेन टेबल सर्वे। ओके, कौन सा मैथड नहीं है इनमें से? तो हम लोगों ने बताना है ओरिएंटेशन के लिए ट्रफ कंपास, यस ये यूज होता है। ओरिएंटेशन बाय द थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, ये भी होता है। ओरिएंटेशन बाय द फाइव पॉइंट प्रॉब्लम, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं। फाइव पॉइंट प्रॉब्लम, टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन बाय द बैक साइडिंग, यस ये भी है। इनमें से हमने बताना है नॉट यूज, जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। इलेवंथ है रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर, ये क्या है? ये कौन सी टेक्निक्स है? कंपास सर्विंग टेक्निक्स नहीं, चेन सर्विंग टेक्निक्स ये भी नहीं है, लेवलिंग टेक्निक्स ये भी नहीं है, प्लेन टेबल सर्विंग की टेक्निक्स है। जिसका राइट आंसर होगा डी होगा। जब आप रेडियस है इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन है, ये हमारी प्लेन टेबल सर्विंग की टेक्निक्स है। अब ट्वेल्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन दी प्लेन टेबल सर्विंग। ओके, जब हम ओरिएंटेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, एरर इन ओरिएंटेशन। थर्टीन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर टू सेटिंग अप ए प्लेन टेबल। ओके, हम लोगों ने बताना है कि देखो पहले क्या होता है, लेवलिंग होता है, फिर सेंटरिंग होता है, एंड देन ओरिएंटेशन होता है, एंड ओरिएंटेशन। तो हम लोगों ने ये देखना है सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन। नहीं, पहले लेवलिंग होती है, ये गलत है। यहाँ पर भी पहले सेंटरिंग दी है, ये गलत है। सी, लेवलिंग दिया हुआ है, सेंटरिंग दिया है, एंड ओरिएंटेशन। जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। 14 दिया हुआ है द मैथड यूज टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए विद रिस्पेक्ट टू टू इन एक्सेसिबल पोजिशन ए एंड बी। हम लोगों ने मैथड बताना है यूज टू ओरिएंटेशन। हम लोगों ने ओरिएंटेशन मैथड के वो पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। देखिए इसमें ओरिएंटेशन के जो होते हैं, ट्रफ कंपास होता है, बैक साइडिंग होता है, टू पॉइंट प्रॉब्लम होता है, एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, जो टू पॉइंट प्रॉब्लम है वो ओरिएंटेशन का मैथड है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। 15 दिया हुआ है व्हेन द प्लेन टेबल इज नॉट करेक्टली ओरिएंटेड द रिसेक्टर विल। ओके, अगर आपका ओरिएंटेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो देखिए ये आपने कोई ड्रॉ किया, ये आपकी लाइन रेज की, अगर आपकी ये एक पॉइंट पर मीट नहीं हो रही है, नॉट करेक्टली ओरिएंटेड नहीं करते हो, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाती है। वैसे तो ये एक ही पॉइंट पे एस्टेब्लिश मीट होनी चाहिए थी, पर ये जब एक पॉइंट पे मीट नहीं होती तो यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, तो फॉर्म है ट्रायंगल जब आप ओरिएंटेशन प्रॉपरली करेक्टली नहीं करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। ट्रेसिंग पेपर मेथड इज यूज, देखिए जो हम ट्रेसिंग पेपर मेथड पढ़ते हैं वो हम थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे एम्प्लॉयड एलिडेड। ओके, जो एलिडेड होता है वो कौन से सर्वेइंग में होता है? कंटूरिंग में नहीं होता है, आर्कियोलॉजी में भी नहीं होता है, प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग एलिडेड का यूज़ करते हैं। रिकॉग्निशन सर्विंग ये भी नहीं है, तो जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। 18 दिया हुआ है रेडिएशन प्लेन टेबल सर्वे इज बेस्ट सिचुएटेड व्हेन। देखिए रेडिएशन कब होता है? जब ऑल द पॉइंट्स आर विजिबल एंड हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। तो डिस्टेंस आर लॉन्ग बट एक्सेसिबल, नहीं लॉन्ग के लिए नहीं होता है, शॉर्ट के लिए होता है। डिस्टेंस आर शॉर्ट एंड एक्सेसिबल, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। इनएक्सेसिबल ये कट जाएंगे। फिर 19 दिया हुआ है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम इन ए प्लेन टेबल सर्वे कैन बी सॉल्व्ड बाय बेसल ट्रेसिंग एंड हिट एंड ट्रायल मेथड ऑल ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। ये जो तीनों दिए हुए हैं, ये बेसल मेथड, ट्रेसिंग मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये आपकी थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के ही है। देखिए आप यहाँ ये ध्यान रखोगे, यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है, जो बेसल मेथड है वो क्या है आपके पास? ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। और जो ट्रेसिंग मेथड है ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल मेथड है। और जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये लेमन्स मेथड है, लेमन्स रूल है। ये आज जो हमने क्वेश्चंस किए इस प्लेन टेबल सर्विंग के किए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।